तो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सेंटर वेयर द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द अर्थ एंड द मून इज जीरो. तो अर्थ और मून के बीच में ऑब्वियसली कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड को कैंसिल आउट कर जाएगा. ठीक है, तो उस पॉइंट की लोकेशन अपने को बताना है. अब क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10^24 एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 × 10^22 kg. द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, ये गिवन है. तो भाई बना लेते हैं, ये मान लो अर्थ है और ये मून है. अर्थ के सामने मून तो छोटा ही है, ठीक है, नहीं भी है छोटा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लो. अपने को मतलब किस चीज से है कि क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सेंटर. तो अर्थ का सेंटर यहां पर है ना, मान लेते हैं ये पॉइंट है जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो आ रही है. तो हमें इसके सेंटर से दूरी निकालनी है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और अर्थ का सेंटर और मून का सेंटर के बीच की जो दूरी है उसको मैं, वो क्वेश्चन में गिवन है डी है. देखो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 4 × 10^5 किलोमीटर. अब भाई 4 × 10^5 मतलब हो गया 4 लाख किलोमीटर, जबकि अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर, बहुत छोटी है उसके सामने, और मून की तो और भी छोटी है. तो सेंटर मतलब इस डायग्राम को मैं पॉइंट मास बनाऊं या फिर मैं इसको नॉन पॉइंट मास बनाऊं कोई फर्क ही नहीं पड़ता. मैंने यहाँ पर दोनों को पॉइंट मास नहीं बनाया है, पर पॉइंट मास मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आगे, अब अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी d-x. ठीक, अभी मास ऑफ अर्थ को मैं कैपिटल एम मान लेता हूँ, मास ऑफ मून को मैं स्मॉल एम मान लेता हूँ. तो मून जो है इस पॉइंट पे कैसी फील्ड लगाएगा? ऐसे लगाएगा अपनी तरफ, जिसकी वैल्यू क्या होगी? g × मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि d-x का स्क्वायर. सिमिलरली अर्थ इस तरीके से फील्ड लगाएगी. अर्थ की वजह से फील्ड जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? g × मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस विच इज एक्स का स्क्वायर. अब अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो नेट फील्ड जीरो हो जाएगी. कर दो भाई बराबर, तो g × m/x का स्क्वायर इज इक्वल टू g² डिवाइडेड बाय d-x का स्क्वायर. ये g और g कट गया. अब यहाँ पर m की वैल्यू पुट करोगे मास ऑफ अर्थ तो 6 × 10^24 आएगा, और स्मॉल m की वैल्यू 7.4 × 10^22 आएगा, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय d-x का स्क्वायर. हालांकि अपने को d की वैल्यू दी हुई है पर अपन उसको बाद में पुट करेंगे. अब इसको थोड़ा रीअरेंज करूंगा अगर मैं, तो क्या आएगा? 6 × 10^24 डिवाइडेड बाय 7.4 × 10^22 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय d-x का स्क्वायर. ये गया, कितना बचा? 100. तो ये आया 600 / 7.4. अब ये जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 81 के आसपास आएगी, जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू 81 के आसपास आएगी. और अगर मैं इसका अंडर रूट लगा देता हूँ तो यहाँ पर से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बना? एक्स डिवाइड बाय d-x. और मैं क्या बताया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 81, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 9. अब इसको रीअरेंज करो भाई और एक्स की वैल्यू निकाल दो. ऑब्वियसली डी के टर्म्स में आएगा. अब यहाँ पर डी की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा. मतलब इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हो.